हमारे खाने के स्वाद को बहुत ही बढ़ा देती है। आज हम बनाएंगे कैरी की 3 अलग प्रकार की चटनियाँ, जो खाने में बहुत ही चटपटी है और बनाने में बहुत ही आसान। अगर आप एक बार ये चटनी अपने घर पर बनाएंगे तो बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए कैरी की ये 3 अलग तरह की चटनियाँ किस तरह से बनाई जाती है वो देखें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूँ हेतल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने 2 बड़ी साइज के तोतापुरी आम लिए हैं, जो स्वाद में कम खट्टे होते हैं। वजन में देखें तो ये 600 ग्राम के करीब है। पानी से अच्छी तरह से पहले साफ कर लेंगे और फिर उसके छिलके निकाल कर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप चाहे तो कद्दूकस भी उसे कर सकते हैं। आम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे ताकि हम 3 अलग अलग तरह की चटनियाँ उसमें से बना पाए। सबसे पहले हम बनाएंगे हरा धनिया और फुदीना वाली ग्रीन चटनी, जिसके लिए मैंने 3 हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा फुदीना लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। आम का मैंने 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 हिस्सा अभी लिया है। मिक्सर का बड़ा वाला जार लेंगे और उसके अंदर सबसे पहले हम आम डालेंगे। आम को आप सबसे पहले नीचे डालें ताकि अच्छी तरह से वो ग्राइंड हो जाए। ये आम स्वाद में कम खट्टे होते हैं तो इसमें हमें फिर गुड़ कम डालना पड़ता है। अगर आप जो देशी वाले आम आते हैं वो लेंगे तो वो बहुत ही खट्टे होंगे। अब उसके अंदर डालेंगे हम 1/2 कप गुड़, जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। ये खट्टी मीठी चटनी स्वाद में बहुत ही बढ़िया लगती है। 1/2 टीस्पून के करीब इसके अंदर हम जीरा डालेंगे। जीरा आप ज़रूर डालें, इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से। हरा धनिया और फुदीना मैंने अच्छी तरह से पानी से धोकर फिर थोड़ा सा कट कर लिया है। ये चटनी को आप पूरी, पराठा, थेपला या फिर कोई भी पकौड़े के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फ्रिज में आप इसे 4 से 5 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसमें हम बिना पानी डाले पहले ग्राइंड कर लेंगे और फिर ज़रूरत लगी तो थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड करेंगे। तो अभी मैंने इसे 2 से 3 चम्मच पानी डालकर ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारी चटनी कितनी बढ़िया बनी है। अब बनाएंगे हम लहसुन और कैरी की खट्टी वाली चटनी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप मेथी मसाला यानी अचार मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और 12 से 15 कली लहसुन के लिए है और 1/3 मैंने आम लिया है। ये चटनी का स्वाद थोड़ा सा अचार जैसा होता है। अगर आपको खट्टा अचार पसंद है तो आपको ये चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। मिक्सर के बड़े वाले जार में हम सबसे पहले आम डालेंगे। लहसुन को मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है ताकि अच्छी तरह से वो ग्राइंड हो जाए। नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। बिना पानी डाले इसे ग्राइंड कर लेंगे। जब ये इस तरह से ग्राइंड हो जाए तब उसके अंदर हम अचार मसाला डालेंगे। ये अचार मसाला मैंने घर पे बनाया है। अगर आपको ये मसाला की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अब इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और फिर से ग्राइंड करेंगे। लीजिए, हमारी अभी आम की खट्टी और तीखी चटनी बनकर तैयार है। ये चटनी बनाते वक्त आपको अचार मसाला सबसे लास्ट में डालना है। अगर आप अचार मसाला पहले डाल देंगे तो ज़्यादा देर तक ग्राइंड होने की वजह से अचार मसाला थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा, तो ये बात का आप खास ख्याल रखें। ये चटनी को भी आप फ्रिज में 4 से 5 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे आम और प्याज की खट्टी मीठी चटनी, जिसके लिए मैंने 1/2 कप गुड़ लिया है, 1 प्याज है, 1/3 हिस्सा आम है, 2 से 3 हरी मिर्च, नमक और जीरा लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को आप स्किप कर दें। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे और साथ में आम डाल देंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च, हरी मिर्च दोनों मिलाकर भी डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से। अभी मैंने 1/2 टीस्पून के करीब नमक डाला है। जीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून। गर्मी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरा का इस्तेमाल करना चाहिए और आम के साथ जीरा का जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। गुड़ डाल देंगे। अब बिना पानी डाले इसे ग्राइंड करेंगे। तो अभी हमारी आम और प्याज की खट्टी मीठी चटनी भी बनकर तैयार है। ये चटनी को भी आप फ्रिज में 4 से 5 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। ये तीनों तरह की चटनियों की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना ना भूले। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए किचन क्राफ्ट हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।